नमस्कार, फोर साइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के एक दिन बाद यानी शनिवार को मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ कनॉट प्लेस स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे। जब केजरीवाल हनुमान मंदिर पहुंचे तो उनके साथ दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह और अन्य लोग मौजूद रहे। हनुमान मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और सभी की भलाई के लिए बजरंगबली से आशीर्वाद भी मांगा। इससे पहले बेल मिलने के बाद शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज दोपहर 12 बजे भगवान का शुक्रिया अदा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाऊंगा। शुक्रवार को जेल से रिहा होने के बाद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया और जेल से बाहर आने के बाद उनकी ताकत अब 100 गुना बढ़ गई है। यानी उनका कहना है कि 177 दिन जेल में रहकर उनकी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, अरविंद केजरीवाल के जीवन में कोई बड़ा मौका होता है, घर में कोई उपलक्ष्य, चुनाव का समय हो या आज उनको इतनी बड़ी राहत मिली हो, वो हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, देश का संविधान इतना मजबूत है, कितनी भी तानाशाह सरकार आ जाए वो बताता है कि सरकार तो आनी जानी है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि जेल के बाहर आने के बाद केजरीवाल हरियाणा में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। अदालत ने अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है, जैसे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जा सकते, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, इस मामले में जांच को लेकर कोई बयान नहीं दे सकते और जांच में रुकावट टालने और गवाहों को प्रभावित करने की भी कोशिश नहीं कर सकते। ये वो शर्तें हैं जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस मामले में रेगुलर बेल मिली है। खबरों में रहना है अपडेट, तो देखते रहिए फोर साइट्स टीवी।